जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अर्थात यह जो होता है लैंगिक जनन, तो पादपों में लैंगिक जो अंग होते हैं वो पादप के क्या होते, कौन से भाग होते हैं, तो वो उसके पुष्प होते हैं। यदि पादप में जो फूल होते हैं अर्थात जो पुष्प होते हैं वही क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था कि पुष्पों के बारे में पूरी तरह से क्या किया, उसकी व्याख्या कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के भाग अर्थात उसके कितने भागों में बांटा गया है और सभी अंगों का क्या करेंगे, यहाँ पर परिभाषाएं बता देंगे, क्योंकि पहली वीडियो में हमने क्या किया उसकी व्याख्या दिया है, अब यहाँ पर उसकी परिभाषाओं को दे देंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को समझने में क्या होगी, आसानी होगी। अर्थात यहाँ पर है कि पुष्प की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो पुष्प को मुख्यतः तो दो भागों में बांटा गया है अर्थात बांटा जा सकता है, एक जैसे होता है। पहला जो होगा कि सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग कौन कौन से होंगे पुष्प के, तो पुष्प के जो सहायक जो जनन अंग होते हैं वो उसका बाहरी आवरण होता है। अर्थात एक तो उसका जो हरा हरा होता है, सभी पुष्प के जो बाहरी आवरण होता है अर्थात बाह्य दल पुंज जो कहा जाता है वो क्या होते हैं, हरे होते हैं। और उसके बाद बाह्य दल पुंज के बाद अर्थात हरे के बाद देखेंगे कलरफुल आ जाते हैं, कई रंगों वाले आ जाते हैं पत्तियां, अर्थात उसके पुष्प के ही भाग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, दल पुंज बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर है कि पुष्प के जो सहायक अंग होते हैं अर्थात पहला है सहायक जनन अंग, वो कौन कौन से होंगे, बाह्य दल पुंज और दल पुंज। और इसके बाद आता है कि प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं, यानी दूसरा जो भाग है उसके प्राथमिक जनन अंग। अर्थात किसी का भी अगर कहा जाता है कि अगर मेल में जैसे मानव में भी क्या होते हैं प्राथमिक जनन अंग, तो उसके जननांगों को देखकर बताया जाता है कि ये मेल है कि ये फीमेल है। अर्थात जब कोई लड़का पैदा होता है यानी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जनन अंग को ही ना देखकर बताया जाता है कि यह लड़की है कि लड़का है। उसी तरह इस पुष्प में भी क्या होते हैं, प्राथमिक जनन अंग जो होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, तो पुमंग होते हैं। पुमंग जो है ये जो है मेल होते हैं, जबकि जायांग जो है पुष्प का कौन सा भाग होता है, तो मादा भाग होता है। अर्थात पुमंग जो है पुष्प का नर भाग है और जायांग पुष्प का हो। तो आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरह देख लें, जैसे स्ट्रक्चर से ये हम बना ले रहे हैं कोई एक पुष्प, ये कोई पुष्प है, ये जर्नली, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्या किया है इसको अच्छे से बनाकर और समझा भी दिया है। यहां पर इसकी जर्नली बनाकर दिखा दें आप लोगों को, ये हो गए और ये क्या हो गए पुष्प के, ये देखिए हमने बताया है कि पुष्प का जो डंठल होता है अर्थात जिस पर पुष्प क्या करता है सहारा प्रदान करता है, तो वो क्या होते हैं, उसको डंठल बोलते हैं, जो कि हमने पहले ही बता दिया है डंठल, इसको पेडिकल भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको पेडिकल। इसके बाद पुष्प जिस पर बैठा है अर्थात जिस पर जो बैठते हैं उसका वो आसन कहलाता है, तो इसी तरह पुष्प बैठा है तो किसी को बैठा होगा, तो पुष्प जिस पर बैठता है तो उसे क्या बोलते हैं, पुष्पासन अर्थात थैलेमस, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पुष्पासन। ये हो गए सबके अलग अलग क्या किया जाएगा परिभाषाएं, अभी इसको बताने के बाद उसको भी परिभाषाओं को लिख कर समझा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी थोड़ा सा व्याख्या देख लिया जाए। तो यहाँ पर यानी पुष्प जिस पर बैठा है उसे क्या बोलते हैं, पुष्पासन। इसके बाद अभी बताएं कि जो बाहरी आवरण होता है अर्थात पुष्प का जो बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है, हरा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दल। और जो रंगीन होते हैं पुष्प का जो रंगीन भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दल पुंज। अर्थात ये क्या होंगे, बाह्य दल पुंज हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, दल पुंज। इसी में अब आया है कि ये तो हो गए, देखिए यहाँ पर लिखे गए सहायक जनन अंग, तो कौन कौन से हैं, बाह्य दल पुंज और दल पुंज। इसके बाद आते हैं पुमंग और जायांग, तो इसमें पुमंग कौन सा होगा, तो ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे पुष्प से अर्थात ये जो नली है इससे जुड़ा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग। ये क्या होता है,
मेल होता है, पुष्प का मेल अर्थात मादा भाग, नर भाग, पूनम का मतलब हो गया नर भाग। और ये जो जुड़े हैं, ये जो पूरी संकर है, ऐसे जाकर नीचे से एकदम जुड़ गया है ऐसे, ये पुष्प का क्या होता है, मादा भाग होता है। मादा भाग अर्थात ये इसको क्या बोलेंगे, जयान। अर्थात ये जो पुष्प का जो रंग गया है नली नुमा और नीचे आकर मोटा हो गया है, ये क्या है, पुष्प का मादा भाग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जयान। अर्थात जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं पुष्प के, वो कौन से होते हैं, कुमंग और जयान, और इनको सहारा यानी इनकी सहायता करते हैं। अर्थात जनन अंगों की सुरक्षा कौन करेगा, तो जो बाहर है वही करेंगे, तो वो कौन करते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या करते हैं, इनको माने क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। तभी तो इनमें क्या होंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा, अर्थात मैच्योर होंगे। तो इसीलिए इनको क्या किया गया, बाहर रखा गया, और अंदर जो है कौन से भाग है, तो इसके उमंग और जयान। तो आइए अब एक एक का क्या करते हैं, परिभाषाएं देख लेते हैं, अर्थात पुष्प के कितने भाग हैं और सबकी क्या करें, परिभाषाओं को देख लिया जाए। तो आइए अब देखते हैं पुष्प के विभिन्न अंग, अर्थात डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अर्थात पुष्प के कितने भाग होते हैं, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, अब उसका क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी परिभाषाएं को समझा देंगे, जिससे आप लोगों को समझने में क्या होगी, आसानी होगी। जिसमें पहला आता है पुष्प वृद्ध अर्थात पेडिकल, अर्थात जो डंठल होता है पुष्प का, जो डंठल जो तने क्या होते हैं, तने से जुड़े रहते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, पुष्प वृद्ध अर्थात पेडिकल। अर्थात देखिए इसकी परिभाषा है कि पुष्प जिस डंठल से तने या शाखा से जुड़ा होता है, अर्थात कोई पुष्प है तो उसका जो है तने से जो डंठल जुड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं, पुष्प वृंद या पेडिकल बोलते हैं। दूसरा आता है पुष्पासन, अर्थात पुष्पासन किसे कहेंगे, अर्थात थैलेमस। तो पुष्प का जो सभी जो होते हैं, अर्थात देखिए पुष्प वृंद का जो अगला भाग होता है, अर्थात डंठल के बाद जो होते हैं अगला जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन। अर्थात पुष्प जिस पर बैठा होता है, अर्थात पुष्प के सभी जो भाग होते हैं एक जगह आकर एकत्रित हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पुष्पासन कहते हैं। अर्थात पुष्प जिस पर बैठा है उसी को क्या बोलेंगे, पुष्पासन, या डंठल का क्या होता है, अगला भाग होता है। तो यही है पुष्प वृंद का अग्रस्त अर्थात अगला भाग क्या होता है, पुष्पासन होता है। इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग क्या होते हैं, लगे रहते हैं, अर्थात एक जगह जो पुष्प के जो सभी भाग एक जगह क्या आकर एकत्रित हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जो नीचे होते हैं पुष्प के नीचे जो होते हैं, तो वो क्या होते हैं, थोड़ा सा मोटा होते हैं और चौड़ा भी होते हैं, गदगद की तरह होते हैं, अर्थात वही क्या कहलाते हैं, पुष्पासन। इसके बाद जो आता है तीसरे नंबर पर बाह्य दलपुंज अर्थात कैलिक्स, ये क्या होता है, तो जो थैलेमस के बाद जो पुष्प से जो हरे हरे क्या होते हैं, यानी सभी पुष्प जो होते हैं सभी पुष्पों के, तो जो बाहरी आवरण होता है अर्थात बाह्य आवरण हरे रंग का होता है, और वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है बाह्य दलपुंज। अर्थात जो होते हैं पुष्प के सबसे बाहरी आवरण को ही क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। अर्थात इसकी एक इकाई, अर्थात कई भागों में पुष्प का जो होते हैं, तो देखे होंगे कि कई भागों में क्या होते हैं, इसे बटे रहते हैं, तो इसकी एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दल अर्थात सीपल बोलते हैं। क्योंकि हमने बता दिया है कि यहाँ पर उसकी बहुत सारी परिभाषाओं को बता रहे हैं कि बाह्य दल पुंज जो है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, अर्थात बाहर का होता है, और उसकी एक इकाई को अर्थात उसमें से कोई एक नोच का हटा दीजिए तो उसको क्या बोलेंगे, सीपल। और बाह्य दल पुंज का क्या कार्य है, जननांगों की सुरक्षा करना, अर्थात जो कली अवस्था में है, यानी पुष्प जो जब है कली अवस्था में, तो जो हरे रंग के होते हैं वही क्या कहलाते हैं, बाह्य दलपुंज। वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, हरे पेड़ पौधे ही तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसको क्या करते हैं, प्रचुर मात्रा में अर्थात जितना पोषण उसकी उसकी आवश्यकता होती है कली अवस्था में, उसको क्या करता है, उसको पोषण प्रदान करता है। अर्थात देखिए यह कलिका अर्थात बड़ी अवस्था में जननांगों की क्या करता है, यह सुरक्षा करता है। जैसे हम ही लोग हैं कपड़े पहन लेते हैं तो क्या होते हैं, हमारे जो अंदर की जो सभी है धूल कंकड़ से क्या करता है, बाहरी आवरण बचाता है। उसी तरह पुष्प का जो हरा भाग है वो कली अवस्था में क्या करता है, जननांगों की क्या करता है, यहाँ पर सुरक्षा करता है और उसको पोषण प्रदान करता है। ये क्या थे कि पुष्प वृंद, पुष्पासन,
बाह्य तल। अगला नंबर आइए देखते हैं, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग में अगला जो नंबर है वो है कोरोला अर्थात दल पुंज। ये जो होते हैं कोरोला अर्थात दल पुंज, ये क्या होते हैं, पुष्प के रंगीन भाग होते हैं। अर्थात जो दल पुंज होता है अर्थात जो कोरोला होता है वो पुष्प का जो रंगीन होते हैं, ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। अधिकतर पुष्पों को देखा जाता है तो वो कलर वाले होते हैं अर्थात कई रंगों में पाए जाते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, दल पुंज। अर्थात यह पुष्प का क्या होता है, दूसरा चक्र होता है, और यह क्या होता है, बाह्य दल के ठीक भीतर पाए जाते हैं, और यह रंगीन होते हैं। ये रंगीन क्यों होते हैं, तो ये रंगीन इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अर्थात ये रंगीन इसीलिए होते हैं। अर्थात देखिए इसकी परिभाषा, यह पुष्प का दूसरा चक्र है तथा बाह्य दल के भीतर की तरफ होता है, यह प्राय रंगीन तथा सुंदर होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है परागण के लिए अर्थात जनन के लिए क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसकी एक इकाई को दल या फिर पेटल कहते हैं। यानी उसकी जो रंगीन वाले जो कई पत्तियां होती हैं उसको एक को नोच दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं अर्थात उसको दल बोलते हैं। उसी तरह आता है पांचवें नंबर पर परिदल पुंज। अर्थात कभी कभी तो देखा जाएगा कि बाह्य दल पुंज और दल पुंज में तो हम बताएं अभी कि अंतर किया जा सकता है, क्योंकि बाह्य दल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हरे होते हैं, जबकि दल पुंज क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, तो हम लोग आसानी से उसको अलग कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बाह्य दल और दल पुंज को अलग जो होता है पहचान करने में क्या हो जाती है, कठिनाई हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि कौन बाह्य दल है और कौन दल पुंज है, तब उनको क्या कहते हैं, परिदल पुंज। अर्थात इनमें अंतर करना क्या हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है, अर्थात अंतर करना मुश्किल हो जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, परिदल पुंज। और इसकी एक इकाई को अर्थात उसके एक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, परिदल अर्थात टेपल कहते हैं। और अगर यह पुष्प का जो रंगीन भाग होगा, पुष्प का रंगीन भाग कौन होता है, ये कोरोला होती है, इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। उसी तरह परिदल है ना, तो अगर रंगीन, अगर परिदल रंगीन हो तो पुष्प दलाव कहलाते हैं, अर्थात ये दलाव अर्थात पेटोलाइट कहलाते हैं। जब रंगीन होंगे तो, रंगहीन हो जाएंगे तो बाह्य दलाव अर्थात सेपेलायट। अर्थात जो पुष्प जो हो के जो परिदल जो होते हैं अगर रंगीन हो गए तो उन्हें दलाव या पेटोलाइट, और रंगहीन हो गए तो बाह्य दलाव अर्थात सेपोलायट कहते हैं। ये भी क्या है, पुष्प के विभिन्न अंगों में ये भी पाए जाते हैं अर्थात दल पुंज और परिदल पुंज। तो आइए अगला नंबर देखते हैं, अब बचा है क्या, पुष्प के जयांग और पुमंग, उनके बारे में जानकारियां ले लेते हैं। पुष्प का जो अगला भाग है वो है नर जननांग या पुमंग अर्थात एंड्रोसियम अर्थात एंड्रोईसियम। याद करने का अंग्रेजी नाम का सबसे अच्छा है कि उसको तोड़ तोड़ कर लें, अर्थात इसको क्या बोल सकते हैं, एंड्रो और ईसियम अर्थात एंड्रोसियम। ये जो होते हैं, एंड्रोस का मतलब क्या होता है, मेल होता है, अर्थात जो पुमंग है यह क्या है, पुष्प का नर भाग है, अर्थात नर जननांगों को ही क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। या एक से अधिक पुंकेसरों अर्थात स्टामेन से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, अर्थात एक से अधिक पुंकेसरों से ये मिलकर बने होते हैं। और ये जो होते हैं मुख्यतः तीन भाग होते हैं, अर्थात पुमंग के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। जो पहला भाग है उसे कहते हैं पुतंतु, अर्थात ऐसे ही होते हैं, तो ये जो अगर पतला रेशे की तरह जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट या पुतंतु। इसके बाद ये जो गोला बनाए हैं इसको ही क्या बोलते हैं, एंथर अर्थात पराग कोष अर्थात पराग कण जिसमें रहते हैं उसी को पराग कोण। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, कनेक्टिव अर्थात योजी। अर्थात जो नर जननांग के जो पुंकेसर के जो तीन भाग होते हैं, पहला कौन सा होता है, पुतंतु पराग कोष तथा योजी अर्थात यही होते हैं। और यह पुष्प का क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसी के द्वारा ही क्या करते हैं, पुष्प लैंगिक जनन करते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो क्या लैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनन के लिए दो चीजें चाहिए, एक नर युग्मक तो एक
मादा युग्मक। तो जब नर युग्मक रहेगा नहीं तो लैंगिक जनन होंगे कौन से पुष्पों में, इसीलिए ये क्या होता है पुष्प का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। और इसमें क्या होती है दो पालियां होती हैं और ये क्या करते हैं जो एक योजी द्वारा अर्थात पुष्प का जो एक पुंकेसर का एक भाग जो योजी है इसी के द्वारा ये क्या किए रहते हैं जुड़े रहते हैं। और प्रत्येक पाली में दो पराग कोष पाए जाते हैं अर्थात प्रत्येक पाली यानी जो ये जो दो पालियां होती हैं इनको अभी आगे बताएंगे कि क्या क्या होती हैं। तो इसमें दो पालियां होती हैं जो एक योजी द्वारा जुड़ी होती है और प्रत्येक पाली में दो क्या होते हैं पराग कोष पाए जाते हैं जो अंकुरण अर्थात अंकुरण करके क्या करते हैं नर युग्मक का क्या कर देते हैं निर्माण कर देते हैं अर्थात नर युग्मक को दभित अर्थात मेल गैमेट्स का क्या करते हैं यही निर्माण करते हैं अर्थात अंकुरण करके क्या करेंगे मेल गैमेट का निर्माण कर लेते हैं अर्थात नर युग्मक को दभित का अर्थात ये जो है पुष्प की विभिन्न अंग में यह अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थात इसको एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसकी परिभाषाओं को भी ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि यह क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है पुष्प के। तो आइए अब देखते हैं और भी महत्वपूर्ण भाग जो है पुष्प का वो है जायांग। अब जो है पुष्प के सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वह होता है जायांग अर्थात इसके जो मादा जनन अंग अर्थात जायांग जो है गाइनो ईसियल अर्थात गाइनो यानी गाइन का मतलब क्या होता है फीमेल अर्थात मादा यही होते हैं यानी पुष्प का यह अंतिम चक्र होता है और यह क्या होता है सबसे सुरक्षित भी होता है क्योंकि यह क्या होता है सबसे अंदर पाया जाता है पुष्प के सबसे अंदर सबसे बाहर बाह्य दल इसके बाद दलपुंज इसके बाद पुमंग ये होता है क्या सबसे अंतिम और अंदर पाया जाता है और सुरक्षित भी होता है। यह पुष्प का चौथा और अंतिम भाग अंतिम चक्र है। यह पुष्प का क्या होता है सबसे सुरक्षित भीतरी भाग होती है और इसकी एक इकाई को अर्थात इसकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं स्त्री केसर अर्थात पिस्टिल अथवा अंडक अर्थात पुष्प जो होते हैं जायांग की जो इकाई होती है उसी को क्या बोलते हैं स्त्री केसर अर्थात पिस्टिल अथवा अंडक कार्पल कहते हैं। और यह क्या होता है मादा जननांग होता है और इसके भी क्या होते हैं प्रत्येक अंडक के क्या होते हैं तीन भाग होते हैं जिसमें क्या होते हैं पहला अंडाशय इसके बाद वर्तिका और वर्तिकाग्र अर्थात अंडाशय जो होता है यह पुष्प का सबसे निचला अर्थात स्त्री केसर का क्या होता है सबसे निचला भाग होता है ठीक उसी के ऊपर जाएंगे तो क्या पाएंगे वर्तिका अर्थात स्टाइल और जो सबसे ऊपर अर्थात जो अंडक का सबसे ऊपर जो भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का कार्य जो है परागकण को क्या करना है ग्रहण करना है और परागकण को ग्रहण करके क्या करेगा पराग नली द्वारा अर्थात पराग नली से निकलती है और वही क्या हो जाती है अर्थात जो परागकण आते हैं वर्तिका पर तो वहाँ से एक नली के द्वारा क्या होते हैं परागकण नीचे जाते हैं वो किसके सहारे जाते हैं वर्तिका से होकर ही कहाँ पहुँच जाते हैं बीजांड में और बीजांड में ही क्या करते हैं बीज का निर्माण करते हैं। अर्थात ये जो थे पुष्प की संरचना में पुष्प के जो विभिन्न अंग हैं उन सब की परिभाषाओं को हमने यहाँ पर क्या है बहुत ही सरलता से आप लोगों को बता दिया है। अब क्या करिएगा इसको एकदम पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह क्या है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और भी टॉपिक को क्या करेंगे आगे लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।